हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको मज़ेदार हिंदी पहेली जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी मानसिक स्थिति चेक करने के लिए बनाया गया है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है और आपके इतनी पहेलियों के सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही हंसाने वाले पहेली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इससे पहले ये चलिए तो शुरू करते हैं। पहले नंबर एक, भारत की कौन सी नदी के हर पत्थर से शिवलिंग बनता है? दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है, उसके हर पत्थर से शिवलिंग का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले नंबर दो है दोस्तों, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, अगर आपको सही जवाब पता है, आप जगह की तैयारी करते तो आपको पता होगा, कमेंट जरूर लिखिए। इस पहले का सही जवाब दोस्तों वुल्लर झील। वुल्लर झील है जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। अगले पहले नंबर तीन है दोस्तों, हमारे शरीर में एक दिन में कितना लीटर यूरिन बनता है? दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इस पहेली का सही जवाब दोस्तों, हमारे शरीर में एक दिन में 1 से 2 लीटर तक यूरिन बन जाता है। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पहले नंबर चार है दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा जानवर कौन सा है? दोस्तों, दिमाग लगाइए और पहले का जवाब जरूर दीजिए। इस पहले का सही जवाब दोस्तों रेस का घोड़ा। हाँ दोस्तों, रेस का घोड़ा जिसे कि दुनिया का सबसे महंगा जानवर माना जाता है। अगर आपका कोई दूसरा जवाब है तो वो भी कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों साथ में। पहले नंबर पाँच है दोस्तों, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अगर आपने इस नृत्य को देखा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, बताइए। इस पहले का सही जवाब दोस्तों गुजरात का। हाँ दोस्तों, डांडिया नृत्य जो कि गुजरात का नृत्य है। पहले नंबर छह है दोस्तों, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस पहले का सही जवाब दोस्तों पायरिन का। बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए पायरिन का प्रयोग किया जाता है, ना कि पानी का। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हमारे वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।